शिला को चंद्र चंद्रशिला बोलते हैं। अच्छा यहाँ मुक्त हुए ना अपने पाप का। जो टॉप की जो चट्टान जो पहाड़ी है उस पर अभी हम खड़े हैं और सारे जो पहाड़ हैं ये सारे हमारे। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। तो आज है हमारी यात्रा का चौथा दिन और अभी हम हैं गुप्तकाशी से निकल रहे हैं। निकलना तो हमें कल रात ही ऊखीमठ के लिए था, पर एक तो बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी और हमारे साथ एक भैया हैं उनको थोड़ा बुखार भी आ गया था, तो वो बोल रहे थे कि अब यहीं रुकते हैं, लंबा सफ़र नहीं करते हैं। फिर हमने वहीं रूम लिया, वहीं खाना पीना खा के हम वहीं रुके थे रात में और फ़ोन वगैरह सारे ही स्विच ऑफ हो गए थे। तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो रात का ही प्लान था हमारा निकलने का, फिर वहीं हम रुक गए थे और अभी सुबह सुबह हम निकल चुके हैं। लगभग 4:30 बजे हम निकल गए थे, लगभग आधा घंटा हो चुका है हम आए हुए। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो उसके बाद लाइट वगैरह भी नहीं थी वहाँ पे गुप्तकाशी में, क्योंकि फ़ोन वगैरह सारे ही स्विच ऑफ हो गए थे। फिर तकरीबन 3 बजे के आसपास लाइट आई थी, तो उसके बाद चाचा ने उठ के फ़ोन चार्ज लगाया था, तो अभी फ़ोन तभी चार्ज हो रखा है। हम साथ वाले सबसे आगे मेरे चाचा हैं, फिर जो सेकंड नंबर पे हैं उन्हीं को कल बुखार आया था, उसके पीछे एक भाई है और हम चल रहे हैं। चार गाड़ियाँ हैं हमारी और मौसम एकदम ठंडा। गुप्तकाशी का एरिया है, बस थोड़ी देर में ऊखीमठ पहुँच जाएंगे। इसके बाद वहाँ थोड़ा चाय नाश्ता करके हम निकलेंगे वहाँ से सीधा तुंगनाथ के लिए, और फिर चोपता होते हुए तुंगनाथ निकलेंगे और उसके बाद वापस आना है। हमने बद्रीनाथ के लिए निकलना है और वहाँ हमारे भैया हैं, उन्होंने हमारे लिए सारी मतलब व्यवस्था कर रखी है रहने खाने की, तो हमने किसी भी हाल में मतलब रात में तो बद्रीनाथ पहुँचना ही है आज शाम से पहले। ये है मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है और आगे रुद्रप्रयाग में जाके मिल जाती है। ये लेफ्ट राइट इधर आना है चोपता, ये गई रोड ऊखीमठ के लिए चोपता के लिए रास्ता। ये मेरे चाचा, इन्होंने कसम खा रखी है कि मैं हर रास्ते पे भूलूंगा, हर जिस दिन भी आते हैं एक पुल ऐसा कर देते हैं कि गलत पुल में निकले जाते हैं। अभी भी हमें यहाँ ऊखीमठ के लिए निकलना और वो कहाँ का रास्ता था, ऊखीमठ के लिए निकलना और वो रुद्रप्रयाग के रास्ते में निकल रहे हैं। मेरे इसी के साथ हमारी तुंगनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। तुंगनाथ के लिए हम निकल गए हैं चोपता में, बस हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया था और अब हम निकल गए हैं तुंगनाथ के लिए। इधर भी चढ़ाई है, 4 किलोमीटर की चढ़ाई है ये, और वैसे सबको पता ही होगा कि ये दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला मंदिर है शिव जी का। बस अब निकलते हैं तो दिखाते हैं आपको ऊपर। 50 मीटर भी नहीं चली और थक गई भाई जी, 50 मीटर में थक गए। आज हम यहाँ पे तुंगनाथ जी के मंदिर में पहुँच चुके हैं, जय बाबा तुंगनाथ जी की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। ये समुद्र से 3,680 मीटर ऊपर स्थित है। यहाँ पे देखिए आप, आपको दिखाता हूँ, ये रहा बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ बाबा के मंदिर। ये पूरा तुंगनाथ बाबा का ही जो मंदिर है, जो उसी का हिस्सा है पूरा, और इसके ऊपर है चंद्रशिला, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जहाँ चंद्रमा ने अपनी तपस्या की थी। और यहाँ इस एरिया में नीचे यहाँ है रावण शिला, यहाँ रावण ने यहाँ पर तपस्या करी थी। और इसका भी ये है कि ये तीसरा केदार है यहाँ पे
वही कौरव पांडवों के युद्ध के बाद जब पांडव जो शिव से पश्चाताप के लिए शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो शिव जो है उनसे छुप रहे थे क्योंकि वो नाराज थे उस युद्ध से। तो भीम ने जो है शिव जी को पकड़ तो लिया ही था, मतलब स्पर्श कर लिया था, तो उनका जो पार्श्व भाग है यानी पीठ का हिस्सा है उसकी तो पूजा केदारनाथ में होती है। तो इस वजह से शिव जी ने अपनी जो अपना शरीर के जो थे पाँच हिस्से थे अलग अलग जगहों में वो कर दिए। तो उन्हीं में से ये तीसरा भाग था उनका हृदय और भुजा वाला भाग, वो यहाँ है। तो यहाँ पे उनके हृदय और भुजा की पूजा होती है। 3,500-4,000 मीटर की ऊंचाई में है और विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर यही है। बेहद ही खूबसूरत और ठंडा यहाँ काफ़ी है क्योंकि पूरा एकदम बहुत ऊंचाई पर स्थित है, पूरा हिमालय से घिरा हुआ है। अभी इसके ऊपर तो 2 किलोमीटर और अभी चंद्रशिला भी है, वहाँ भी अभी जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे आपको। और सर्दियों के टाइम में जब यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद जो होती है जो इसकी जो पूजा होती है, यहीं नीचे एक गाँव है मकुमठ, तो इसकी जो शीतकालीन पूजा होती है वो मकुमठ में होती है। तो अभी तो हमने दर्शन कर लिए, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है, दर्शन हमारे हो चुके हैं। अभी चलते हैं ऊपर चंद्रशिला में, उसके बाद चंद्रशिला में दिखाते हैं आपको चंद्रशिला कैसी है। एकदम वहाँ से 360 व्यू है, 360 डिग्री का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा रहेगा वो भी। अभी इतना तो हमें भी नहीं पता, एक मिले थे नीचे तो उन्होंने बताया था कि ऊपर ज़रूर जाना। तो अब निकलते हैं चंद्रशिला की ओर, फिर दिखाते हैं आपको ऊपर का शिला को। चंद्रशिला बोलते हैं। अच्छा, यहाँ मुक्त हो गए अपने पाप का, हम पहुँच गए हैं चंद्रशिला। ये रहा चंद्रशिला वाला चंद्रशिला मंदिर, यहाँ पे जो है चांद भगवान ने तपस्या की थी। और ये अब लगा लो आप, जो नीचे तुंगनाथ मंदिर है वो है यहाँ से 4,000 मीटर की ऊंचाई में, और वो है पूरे ओवरऑल जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, और उससे भी लगभग 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला मंदिर है। ये पूरा यहाँ का व्यू है, एकदम सबसे जो टॉप की जो चट्टान जो पहाड़ी है उस पर अभी हम खड़े हैं, और सारे जो पहाड़ हैं ये सारे हमारे एकदम ऐसा लग रहा है सामने सामने में है। बेहद ही यहाँ बेहद ही खूबसूरत व्यू है और ठंडा भी यहाँ पे उतना ही हो रहा है। तो अभी हम चंद्रशिला का जो ट्रैक था इससे नीचे की तरफ आने लग गए हैं, तो वो था हमारा चंद्रशिला एकदम टॉप पे। तो ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे काफ़ी कम है, ऊपर चढ़ने में एकदम सांस फूल सी रही थी क्योंकि एक तो ऊँचाई ज़्यादा है इसकी, 1 मीटर की ऊंचाई पे है ये बहुत ज़्यादा। और इस समय यहाँ से व्यू पूरा 360 है, मतलब उसके ऊपर कोई चट्टान नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है। तो सांस भी फूल रही है, दिक्कत भी हो रही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस है इतना, इतनी ऊंचाई में ऐसे ट्रैक पे पहली बार आने का,